हेलो भाई जी, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो हमारे टॉपिक थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री भी हमने कवर कर लिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। गाइज, सपोज ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लान है, लेट इट्स बी एक्स एक्सिस एंड इट्स बी वाई एक्सिस। अगर ये हमारे कुछ क्रोज हैं एक्स इज इक्वल टू ए टाइप की, एक्स इज इक्वल टू ए टाइप की, और ये हमारे कोई कवर है क्रोज हैं वाई इज इक्वल टू वाई, कोई भी क्रो है हमारे पास जो है वाई इज इक्वल टू बी टाइप की। तो भाई सबसे पहले हम बात करें ट्रेजेक्ट्री क्या होती है हमारी। ट्रेजेक्ट्री अगर एनी क्रो हमारे पास कोई भी क्रो है किसी दूसरी ग्रुप ऑफ क्रोज को, किसी फैमिली ऑफ क्रोज को किसी स्पेसिफिक तरीके से इंटरसेक्ट करे या काटे तो उसे बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। अगर बात करेगा इसे हम ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री की। मैंने कहा था कि कोई स्पेशल तरीका होना काटने का तो उसे तो कहते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। और अगर गए जो स्पेशल तरीका अगर कोई एंगल हो मीन्स हमारी एक करो है जो किसी दूसरी फैमिली ऑफ क्रोज को किसी फिक्स एंगल पर कट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वह है ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री। अब बात करें हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। गाइस ये ऑर्थोगोनल वर्ड है, ये हमने कई बार सुन रखा है। एक तो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल लाइंस, और अब हमारा आ गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल लाइन तो में होती थी जो दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होती थी ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी वो। अब बात आई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। अगर गाइस हमारी जो एक क्रो है वह अगर दूसरी फैमिली ऑफ क्रोज को राइट एंगल पर कट करे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वह है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। गाइस हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन है वे अगर परपेंडिकुलर तो उनका क्या होता है, उनका जो स्लोप की जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 होती है, बिल्कुल होती है। अगर गाइज एक का स्लोप लाइन का अगर dy/dx है तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के अंदर दूसरी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो -dx/dy होगा, बिल्कुल। अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। तो गाइज जो अगर हम बात करें इन क्वेश्चन के सोल्व करने के वर्किंग रूल की, तो वर्किंग रूल है इस टाइप से, अगर हमारी सपोज कोई भी क्रो है fxyc टाइप की तो हम क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो जो हमारी जो क्रो बन जाएगी वो fxdy/dx टाइप की जो क्रो बन जाएगी। फिर जो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो dy/dx है उसको रिप्लेस कर देना है -dx/dy से रिप्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, जो y वाले टर्म एक साइड करने हैं और जो x वाले टर्म है वो एक दूसरी साइड करने हैं और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड करो है रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है वो आ जाएगी। तो गाइज इसी टाइप पर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी क्रो लाइट y इज इक्वल टू ax के n कोई वो करे हैं तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में से कन्वर्ट करेंगे। गाइज ये हमारे पास कोई भी सिंपल क्रो दे रखी थी तो इसे सबसे पहले करेंगे इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट। तो क्या करेंगे, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, तो क्या मिला dy/dx इज इक्वल टू nax/n-1। जो a की वैल्यू है वो है y/x/n dy/dx, तो हम ले सकते हैं n a की वैल्यू है y/x/n इंटू x/n-1। नाउ जो dy/dx है ny/x ये हमारा आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी कांस्टेंट है
ए अगर एक कांस्टेंट हो तो एक बार डेरिवेटिव, दो कांस्टेंट हो दो बार डेरिवेटिव, कुल मिलाकर उस जो कांस्टेंट है उसको बाई डेरिवेटिव उसे हम ख़त्म कर देते हैं। अब जो अगला जो प्रोसेस है वो है जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हमें रिप्लेस करना है माइनस टी एक्स बाई डी वाई से। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको माइनस टी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे इज इक्वल टू एन वाई बाई एक्स। तो एक्स वाले टर्म को एक साइड माइनस एक्स टी एक्स इज इक्वल टू वाई वाले टर्म को, वाई वाले टर्म को एक साइड एन वाई डी वाई। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एन, जो वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट लेट सम डेट कॉन्स्टेंट बी सी। अब हम इसे कह सकते हैं एन वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ही होगा, जो गाइस जो माइनस ही होगा वो भी कुछ कॉन्स्टेंट होगा लेट डेट बी सी, सी नहीं तो माइनस ही ही लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए से। तो अब ये एन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये भी माइनस टू सी लेट, ये भी हमारा कुछ कॉन्स्टेंट है, इसे माइनस इस जो ये कॉन्स्टेंट है इस कॉन्स्टेंट की जगह हम लेट एनी कॉन्स्टेंट बी की। तो ये क्या हुआ हमारा, ये आया कोई भी हमारा, वो तो हमारा डिपेंड करता है एन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे गाइस ये हमारा होगा या तो फिर एलिप्स होगा या फिर परबोला होगा, बट डेट डिपेंड्स ऑन आवर एन एंड के। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।